हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे चटपटा नाश्ता जो बनेगा कच्चे आलू से। तो यहाँ हमने दो आलू लिए हुए हैं, एक ये छोटे साइज़ का और एक हमने लिया हुआ है बड़े साइज़ का। तो अब हम इसका छिलका उतार लेते हैं। आलू को मैंने छील के और धुल के ले लिया है। अब हम इसको एक नाइफ लेकर छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। पीस हमने कर लिए हैं आलू के। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इनको जार में डाल लेते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने दो स्लाइसेस में काट लिया है। दो हरे मिर्च डालूंगी मैं इसमें और 6 से 7 मैं इसमें लहसुन के स्लाइसेस डालूंगी। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करिएगा। आधा कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अगर ग्राइंड करते हुए और पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। हमने कर लिया है इन सब चीज़ों को। अब हम एक बाउल लेकर इसको उसमें निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 125 ग्राम सूजी लिया हुआ है, यानी कि आधा कप। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हम मिक्स करेंगे इसमें। मिक्स हमने कर लिया है। अब हमारा बैटर एकदम रेडी है और आज मैं छलनी में इसको स्टीम करूंगी। इधर ये मैंने छलनी में फॉइल पेपर लिया हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लिया है। अगर जिनके पास केक टिन नहीं है तो आप छलनी में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो अब हम इस बैटर को इसमें डाल लेते हैं। बैटर हमने डाल लिया है इसमें। अब हम कढ़ाई ले, मैंने एक कढ़ाई ली हुई है 2 ग्लास पानी डालकर, जिसमें मैंने एक जालीदार स्टैंड भी रखा हुआ है। अगर जिनके पास जालीदार स्टैंड नहीं है तो वो एक बाउल भी रख सकते हैं इसमें। तो चलिए अब हम बैटर वाली छलनी को इसमें रख लेते हैं इस तरह से। ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म है। अब हम इसको ढक देते हैं लीड रखकर और इसको 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पेपर रोल करके लगाएंगे ये जो होल है लीड में। तो चलिए इसको 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। अब 20 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम होते होते। अब इसको लीड हटाकर चेक करेंगे एक नाइफ लेकर। ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन आया है निकल के, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। और गैस को कर देंगे ऑफ और छलनी को हम निकाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर से। ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो चुका है और इसको मैंने एक प्लेट पर निकाल लिया है और ऊपर से इसका फॉइल पेपर भी हटा दिया है। अब हम नाइफ लेकर इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह से जिसको ये बिना फ्राई के ही खाना है वो ऐसे भी खा सकते हैं इसको, और जिसको फ्राई करके खाना है तो इसको फ्राई कर ले। ये देखिए ये ऐसे भी बिना फ्राई किए हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो इसको फ्राई कर लेते हैं।
इसको फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन है। मैंने फ्राइंग पैन गैस पर रख लिया है और इसमें मैंने तेल भी डाल लिया है और गैस को कर लिया है ऑन। अब हम तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें तेल। अब एक एक करके पीस रख लेते हैं इसमें। इस तरह से तेल हमें फ्राइंग पैन में इतना ही रखना है जितना ये आधा डूब रहा है इसमें, इससे अच्छे से फ्राई हो जाएगा ये तेल में। अब हम इनको दूसरी साइड से पलट देते हैं। इस तरह से ध्यान से पलटिएगा इन्हें, क्योंकि तेल भी आ सकता है। इसी तरह से हम इनको पलट पलट कर फ्राई करेंगे जब तक इनका अच्छा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कलर भी इनका बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम और पीसेस को फ्राई करेंगे। और भी इसको रख लेते हैं फ्राइंग पैन में। फ्रेंड्स, अब हमारा नाश्ता बनके एकदम रेडी है चाय के साथ। ये मैंने यहाँ पर टमाटो केचप लिया हुआ है। आप इस नाश्ते को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चटनी से खा सकते हैं, जिससे भी खाने का आपका मन करे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।